डॉक्टर स्वाति, सबसे पहले आपके पास आएंगे, आपसे समझना चाहेंगे कि अक्सर हम देखते हैं कि जब जब मौसम बदलता है, बात चाहे सर्दी से गर्मी की हो, गर्मी से सर्दी की हो, जब भी मौसम बदलता है तो सर्दी, खांसी और तमाम तरह के जो वायरल हैं उनका प्रकोप बढ़ जाता है। अभी भी कुछ कुछ वैसा ही माहौल है, तो आमतौर पर जब ये सर्दी खांसी बढ़ती है तो लोगों को क्या करना चाहिए, कैसे इससे सावधानी रखनी चाहिए, सबसे पहले तो यही बताइए। बिल्कुल दीपक जी, देखिए, एक जब भी मौसम बदलता है तो जो हमारा सतर्कता का लेवल है वो हमें जरूर बढ़ा लेना चाहिए, क्योंकि मौसम बदलता है और हम नहीं बदलते और यही गलती हो जाती है। तो अगर थोड़ा ठंडा मौसम है तो हमें उस हिसाब से नहाना, पहनना, उस हिसाब से हमें बाहर निकलना, इस तरह से हमें ध्यान रखने की जरूरत है। और अगर थोड़ा गर्म है या खुश्क है तो हमें उस हिसाब से एहतियात बरतने की जरूरत है, ये हमें करना चाहिए। लेकिन हम क्या होता है कि गर्मी के मौसम से या बरसात के मौसम से सर्दियों में जब पैर रखते हैं तो हम वही गर्मी के मोड में रहते हैं, हम वो कपड़े भी उसी हिसाब से पहन रहे होते हैं, खान पान भी हमारा उसी हिसाब से चल रहा होता है, हम एसी में बैठ रहे होते हैं या ठंडे में निकल रहे होते हैं, तो हम ध्यान नहीं देते हैं। तो ये चीजें अगर हम लगातार ध्यान रखें तो हम जो मौसम का बदलाव है उसका जो विपरीत असर हमारे ऊपर होता है वो नहीं होगा, पहली बात ये है। दूसरा, हमें ये जरूर ध्यान रखना है कि इस मौसम में बहुत सारे कीटाणु जो होते हैं, जैसे आपने कहा भी कि वो बहुत ज्यादा तेजी से पनपते हैं, मच्छर भी इस मौसम में बहुत ज्यादा पनपते हैं, तो हमें इन सब के लिए भी दुरुस्त इंतजाम जो है वो करने की जरूरत है। जैसे कि घर में थोड़ी सी हवा अंदर आने दें, अंदर अक्सर हम देखते हैं कि सर्दी में क्योंकि जो है हम लोग वेंटिलेशन अच्छा नहीं करते हैं, सो आसानी से फंगस हैं, वायरस हैं, ये सब पनपने लगते हैं, तो हमें घर में वेंटिलेशन अच्छा करना चाहिए। दूसरा, हम इस बात का ध्यान रखें कि हम मच्छरों का इंतजाम जो है लगातार करें, अपने आसपास हाइजीन का जो ध्यान रखना है और खाने पीने को लेकर के भी जो हाइजीन का ध्यान रखना है वो बहुत जरूरी है, क्योंकि इस मौसम में जो खाने पीने की चीजें हैं वो बहुत तेजी से खराब होती हैं और कई बार ऐसी चीजों के सेवन करने से भी हम देखते हैं कि फूड पॉइजनिंग और तरह तरह की परेशानियों से लोग जूझते हैं, तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। और चौथा, जो हमारी इम्यूनिटी है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, वो हमें लगातार बेहतर करनी है अपनी और उसके ऊपर हमें निरंतर कार्य करते रहना चाहिए। अगर हम एक अच्छा हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करें तो सीजन कितनी भी बार बदले वो हमें तंग नहीं करेगा, लेकिन अगर हमारा लाइफस्टाइल खराब है, हम एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करते, सोने का हमारा कोई समय नहीं है, खान पान की तरफ हमारा ध्यान नहीं है, तो हम देखते हैं कि जल्दी जल्दी बीमार पड़ते हैं और इस वजह से परेशानियां ज्यादा होती हैं।